माड़ी आसुची खरा राज्य में चलित बर्ष प्रचंड रौद्रताप अनुभूत होब बढ़ दिनर तापमात्रा 4-6 डिग्री सेल्सियस जाए ताति वृद्धि पाइब 11 तारीख रु असह्य होब गरम परवर्ती 3 दिन राज्य अधिकांश स्थान में दिन तापमात्रा 4-6 डिग्री सेल्सियस जाए वृद्धि पाइबार संभावना रही एने पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणिपाग केन्द्र सेपटे एथर खरा जेमिति वर्षा भी सेमिति मौसुमी ऋतुर 4 मास मध्यरु जुलाई रु सेप्टेम्बर पर्यंत 3 मास स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा होबे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। उभय खरा एवं वर्षा उपरे प्रभाव पकाउथबा एलनीनो वर्तमान भारत उपरे सक्रिय रहिछि। एहा द्वारा चलित वर्ष प्रबल ताती अनुभूत हेबाने पूर्वरु आकलन करा जायछि। उत्तर ओडिसारु उत्तर उपकूल आंध्रप्रदेश उपरे एक ट्राफ लाइन सक्रिय रहिछि। एहा सहित दक्षिण ओडिसा एवं पार्श्ववर्ती अंचल उपरे एक घूर्णीबलय क्षेत्र मध्य रहिछि। यार प्रभाव में आज और आसंता का किसी अंचल में बर्षार पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग केन्द्र। दक्षिण उपकूल ओडिशा सह केतेक जिले में बिजुली घड़घड़ी सह हालुका बर्षार संभावना रही। माड़ी आसुची खरा राज्य में चलित बर्ष प्रचंड रौद्रताप अनुभूत होब बढ़ दिनर तापमात्रा जहाँ कहुच 4-6 डिग्री सेलसीयस जाए ताती वृद्धि पाइब 11 तारीख रु असह्य होब गरम ए संपर्क में अधिक आलोचना करने देवाशिष जेना पाणिपाग विज्ञानी आम सहित जोड़ी होती सीतु जेना आपको स्वागत करुच्ची कलिंग टीवी को सीतु जेना वर्तमान समय जहाँ कहुच्ची ताती आहुरी बढ़ दिनकू दिन 11 रु तो असह्य हो जहाँ कहुच्ची कौन एक्चुअली आकलन कौन कहुची आप देखु वर्तमान परिप्रेक्षी में ओडिशा रे जो पाणीपाग नियामक अच्छे गोटे ट्रफ एक्सीस का उत्तर ओडिशा आंध्रप्रदेश पाखापाखी अंचल जार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा मानने उपकूलवर्ती मेनली ओडिशा रे तथा उत्तर उपकूलवर्ती ओडिशा रे वर्षा हो आज जदि देखा तो आज मुख्यतः कन्फ्लुएंस जोन जो जोन इनस्टेबिलिटी जो आपंकर साउथ कोस्टल ओडिशा मुख्यतः गंजाम गजपति देन खोर्धा पुरी तशलग्न जिला गुड़िक नयागढ़ आपंकर रायगढ़ कोरापुट कंधमाल कलाहांडी यही सब अंचल रे किसी किसी जगह रे सामान्य रु मध्यम वर्षा होपे किंतु एक्टिविटी टिके कम ही रहिबो एवं कालिठ संपूर्ण पाग शुष्क रहिबार संभावना रहउछि अप टू 7-8 डेज पर्यंत किंतु 14-15 बेलकु आपणकर उत्तर ओडिशा तथा उत्तर उपकूलवर्ती ओडिशा रे सामान्य रु मध्यम वर्षा हेइ पारे किंतु आपणकर कालिठ टेम्परेचर गियर अफ हेबार चांसेस रहउछि। अधिकांश जगह रे वर्तमान जो स्थिति टिके कम थिला टेम्परेचर ड्यू टू क्लाउड कंडीशन सेटा बढ़िकी आपणकर 4-5 डिग्री बढ़िकी 38-39 को जगह मध्य 40 क्रॉस करि पारे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट मानकर किंतु मुख्यतः इंपैक्ट आपणकर दक्षिण तथा दक्षिण आभ्यंतरण जिला मानकर रहिबा आगामी 4-5 दिन उपकूलवर्ती ओडिशा रे मध्य टिके गुळगुळी समस्या मध्य रहि पारे मुख्यतः। ओके धन्यवाद अधिक आलोचना पई देवाशिष जेना पाणिपाग विज्ञानी हम सहित जोड़ी होइथिले। संतोष साहू झारसुगुड़ा रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती संपर्क में अधिक सूचना देवाई संतोष वर्तमान समय झारसुगुड़ा रे किभली रही तापमात्रा एवं किभली भाव गरम अनुभूत होउची ताती किभली रही निहाती देखु मधुस्मिता जो भाई भाव में झारसुगुड़ा तापमात्रा रहे ताठू अपेक्षाकृत मार्च मस रही कारण मार्च मस सुधा एपरी झारसुगुड़ा तापमात्रा देखा जाए ना तथापि तो मार्च मसरु ही ताति बढ़िवार लगी कारण एप्रिल पर ही लोक ये तातिर अनुभव करता तेज आप देखिपे कृषि अच्छा लोक बस खरा छाई आम प्रतिक्रिया ना ताकू जाना आज्ञा कौन कहे ताति झारसुगुड़ा कि भाव में रही केमी देखुं ताती जो छटा ऋतु थिला छह ऋतुर स्वादता आम पाऊन तो जमती फगुण ऋतु आसो बोल समस्त अपेक्षा कर बसी कि बैशाखी आसिक पत्र झाड़ू बसंत ना फूल फुटुची ना से पवन अच्छे तो तेणुक बर्तमान दिनक दिन ताति एत प्रखर होने बर्तमान ये ऋतु भी आम बैशाखी अनुभव कर पार्चु दिनक दिन प्रबल खरा हो तेणुक प्रत्येक कर्मजीवी मैंने जावास भलमंद कर्म क्षेत्र में भी असुविधा भोग कर उताप दिनक दिन बढ़ी चलती केत बर्षा केत खरा आम बुझीपू कौन महात्म ऋतुर तो तेणु करें भावे यर्ष निहाती ग्रीष्म प्रभाव बहुत जोर रो तो जहाँ भी हूँ आम ही कलबल हबु ग्रीष्म ऋतु आज जन कह कि भाव में खरा आगे हम बोल
ଆଜ୍ଞା ଖରା ତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାନ ବହୁତ ହେଉଛେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷେ ବହୁତ ଖରା ହେବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ଆଉ ଏଖନ ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାନ, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ହେବା, ସେଥିଲେ ଏଖାନେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଇଏ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଚାରେ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କିଭଳି ଖରା ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଖରା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ଆଗକୁ ତାତି କେତେ ଦିନ ବଢ଼ିବ ସେଟା କଳନା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଝି ମଝି ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। ନହେଲେ ବୋଧେ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଖରା ଯେଉଁ ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନିହାତି ଖରା ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି, ତା ଆଗକୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।